हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको पक्षी मुखी प्लान, दो भाइयों के लिए, गांव के लिए प्लान है ये बताने जा रहा हूँ। ये इस प्रकार से है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 35-35.5, तो ऐसे हैं 35.6 ऐसे हैं, और 67.3 यानी 67 ही मानो 67 फुट ऐसे हैं। दो भाइयों के हैं, दो भाइयों का प्लान है, दो भाइयों के हिसाब से बना हुआ है ये। इसका आगे ओपन एरिया है, जो इसको बरामदा बोलते हैं, वो बरामदा है। ये बरामदा है 20x20x8 का, 8 ऐसे हैं, 20.5 ऐसे हैं। इसमें आप कार पार्किंग बना सकते हो, कार के लिए खड़ी करने के लिए भी जगह है, कार पार्किंग भी बना सकते हो। और इसमें सामने ऐसे ये रूम है, बड़ा गेस्ट रूम, 14.5x14.5 का देख, 14.5x14.5 ये बड़ा रूम है, गेस्ट रूम। कोई बाहर से आएगा, बाहर के बाहर ऐसे इसमें आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। और आपकी मेन एंट्री जीने के ऐसे है, जीने के ऐसे सीढ़ी चढ़ेंगी, ऐसे घूमकर ऊपर चढ़ेंगे। इसके नीचे से आपकी एंट्री है, ये ऐसी गैलरी है, और एक ये गैलरी ऐसे आके चौक में आ गई। ये आपका चौक है, और ये गैलरी की है आपकी 12.5x3 की गैलरी है। और ये गैलरी बाहर इधर ये रोड एक ऐसे हैं, और एक पश्चिम साइड में ऐसे हैं, एक दक्षिण साइड में ऐसे हैं। ये आपका मैं एक दरवाज़ा भी इधर निकाल रखा है, इधर दरवाज़ा निकाल सकते हो इधर साइड में। और आपका ये कि बाथरूम है, गैलरी से ऐसे बाथरूम है। ये बाथरूम है 5x5.8x8.5 ऐसे हैं, 5.5 ऐसे हैं। और ये लेटरिन है जीने के नीचे से, ऐसे दरवाज़ा है ऐसे 5x8x4 एक रूम में। यह है 12.5x8 का, ये ऐसे हैं, यहाँ से 12.5 ऐसे हैं, 8.5 ऐसे हैं। ये एक दरवाज़ा यहाँ से, आप इधर से भी अंदर आ सकते हो, यहाँ से बरामदे से एक दरवाज़ा लगेगा, एक लगे सीधा आके आप चौक में भी आ सकते हो। जीने के नीचे ऐसे मैं दरवाज़ा ये भी है, एक 7 फुट का दरवाज़ा यहाँ पर लग जाएगा अंदर जीने के नीचे। और एक एक रूम में एक अलमारी है 3x2 की, एक छोटी 2x1.5 की एक अलमारी है इस बैठक रूम में है। और ये आपका चौक है, चौक से आप ये रूम में आओगे, 12.5 का ये रूम है, और 13 फुट 12.5x13 12.5 ऐसे हैं, 13 ऐसे हैं, नहीं तो 13 ऐसे हैं, 12.5 ऐसे हैं। ये चौक है, ये पूजा घर है, पूजा घर है आपका 9.5x5 का, 9.5 ऐसे हैं, 5 फुट ऐसे हैं। पीछे ये अलमारी हैं, ये दो, ये इस रूम में एक अलमारी है, इस रूम में एक अलमारी है, 3.5x3.5 की, 3.5 इधर है, 3.5 इधर है। ये पूजा घर के पीछे साइड में दो अलमारी निकाल दी, ये चौक हो गया आपका। ये तीन अलमारी इसमें है, एक इस कमरे में निकाल दी, एक चौक इधर साइड में निकाल दी, रसोई में निकाल दो या चौक में निकाल दो, एक ही चौक में निकाल दो, एक इधर रसोई में निकाल दी, एक इधर निकाल दी, तीन ही रसोई हैं। और आपका यहाँ तक का ये हो गया पूरा, एक भाई का। और आगे दूसरा भाई का है, दूसरा भाई का भी यही है। ये दक्षिण साइड में फ्रंट दे रखा है इधर इसका, ये ऐसे रोड है इधर, और इधर भी रोड दे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर पीछे रोड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये इधर रोड हो तो भी आप इधर से बना सकते हो फ्रंट इसको, इधर को ये फ्रंट, इधर फ्रंट अभी भी है, जीना इधर में मार लगा सकते हो। ये रूम आपका है 12.5x11.5 का एक रूम है, और ये आपका 10.5x11.5 का चौक है, और आपका एक ये रूम 12.5x11.5 का ये चौक है। ये चौक में से ड्राइंग रूम जो बोलते हैं वो इसमें से इसमें है। और ये आपका खुला ओपन एरिया है, और ये भी यहाँ तक ये जीने इसी में, इसी में भी आप कार वगैरह पार्किंग बना सकते हो इधर के लिए, जीने के नीचे से यहाँ से निकल के और यहाँ खड़ी कर सकते हो। एक रसोई आपकी ये निकाल दी इसमें से, यहाँ से एंट्री है 17x9.5 की। ये गैलरी बाहर निकाल दी इधर इधर साइड में। और आपका ये कि पूजा करें 9.5x5 का, दूसरा भाई का। और एक ये रूम है 12x18.5x3 एक ये आपका वो है, इसकी साइज ये है, इस तरह से नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखो ये है इस तरह से आपका, ये है इसे। ये दो भाइयों के हिसाब से नक्शा है, इसमें आपके पिलर हैं 15 पिलर हैं, और आपका जो पिलर की मोटाई है वो कम से कम
12 बाई 12 इंची से कम नहीं होनी चाहिए। ये दीवारें हैं आप चारों तरफ की 9 इंची में ले लो, बाकी अंदर आप चाहो तो इनको 9 इंची ऐसे वाली, बाकी नहीं तो आप 5 इंची में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंची में भी चारों तरफ की 9 इंची में लेके और आप कर सकते हो इसमें। और आपका यह है जो बाहर का चारों तरफ का, वो आप 9 इंची में दे सकते हो। और आपका इस तरह से गैलरी से बाहर एक बाथरूम ये बना हुआ है, ये एक लेटरिंग इधर बनी है, ये थोड़ा जगह ओपन है खुला, और ये कि स्टोर है ये पीछे से ये जगह मिली तो इसमें एक स्टोर निकाल दिया। इस तरह से हाउस प्लान है। और आपका जो फाउंडेशन जो पिलर के भरोगे वो इसमें कम से कम 5 बाई 5 का गड्ढा होना चाहिए, और आपकी पिलर की मोटाई 1 फुट बाई 1 फुट यानी 12 इंची से 12 इंची होना चाहिए, 12 बाई 12 इंची से कम नहीं होना चाहिए। हेलो 12 बाई 12 से कम नहीं होना चाहिए। और आपका फाउंडेशन है ये डोर बीम है, वो भी 12 बाई 12 इंची से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 12 बाई 12 का होना चाहिए। इस तरह से आपका ये प्लान है। और किसी भाई को, दो भाइयों के हिसाब से किसी को ज़रूरत है प्लान की, तो आप हमें साइज और दिशा लिख के कमेंट करें और हम आपको नक्शा बना के दे देंगे। ये गांव के हिसाब से, गांव में काफ़ी जगह खुली होती है इसलिए गांव के हिसाब से प्लान बनाया हुआ है। कोई शहरी भाई अगर बनाना चाहे तो उनका भी अगर जगह है तो बना सकते हैं, उनके लिए हमें कमेंट करें और बना सकते हैं। बाकी ज़्यादातर ये खुले ग्रामीण के लिए है। और ये सारा आप इनमें जो खिड़की के ये लिखा हुआ है, ये साइडों पर तो आप अपने हिसाब से खिड़की दरवाजे जो भी साइड हो, बाहर से चारों तरफ ओपन एरिया है तो कहीं भी खिड़की आप जैसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हो। इस तरह से प्लान है। किसी भाई को ज़रूरत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना और साइज़ ज़रूर लिखना। और अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।